घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा में 8 साल पुराने मामले में न्यायालय ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। कुल 40 आरोपियों को न्यायालय ने 7-7 साल की सजा सुनाई, वही 2 आरोपियों को बरी किया गया। फैसले को देखते हुए न्यायालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। खंडवा में 2014 में एक फेसबुक पोस्ट पर फैले तनाव के बाद 3 जुलाई की रात पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न जगह स्थानों पर गश्त की जा रही थी। इसी दौरान जब पुलिस खासपुरा बांग्लादेश क्षेत्र में पहुंची थी, इस दौरान 1 अगस्त को पुलिस पर कुछ लोगों ने घरों से छत से पत्थर और कांच की बोतलें फेंक कर जानलेवा हमले की कोशिश की थी, जिसमें पुलिस के कई वाहनों में और कांच पुलिसकर्मियों घायल हुए थे। उस समय तत्कालीन पीआई का हेलमेट भी टूट गया था, वही पुलिसकर्मियों को चोट भी आई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने 47 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से 4 नाबालिग थे और 1 की मौत का फैसला आने के पहले ही हो गई थी। इस तरह इस पूरे मामले में कुल 40 आरोपियों को न्यायालय ने 7-7 साल की सजा सुनाई, वही 2 लोगों को बरी किया गया। फैसले के मद्देनजर न्यायालय परिसर में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। देखे खबर खंडवा की न्यूज चैनल पर पूरी खबर। सब का गुनाह है, सब के गुनाहों को लेके जा रहे हैं। दिमाग से भी है, थोड़ा दिमाग से भी, उसके बाद में उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, उम्र भी उनकी 65 साल है, वो ऐसा कर नहीं सकते। इस मामले में जो है वो सुशील पुंडगे हत्याकांड एक खंडवा शहर में चर्चित मामला था। उसके बाद शहर में कर्फ्यू लगाया गया था। कर्फ्यू के बाद जो है वो थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत का एक घटनाक्रम बताया गया था, जिसमें 1-8-14 को दोपहर 1 बजे पुलिस बल पर हमला करना बताया गया। कुछ लोगों के द्वारा ऐसी शिकायत की गई थी, जिस पर से लगभग 47 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ था और उसमें से कुछ बाल न्यायालय के आरोपी थे, उन्हें उनका मामला अलग हो गया था। यहाँ पर न्यायालय में लगभग 42 आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें से आज न्यायालय द्वारा धारा 307, 147, 148, 353, 332, 34 आदि धाराओं में जो है सजा दी गई है, उन्हें दोष सिद्ध पाया गया है। 7 साल के कारावास की सज़ा सुनाई है, कुछ जुर्माने भी हैं। फैसला अभी लिखित में आना बाकी है, ओरल माननीय न्यायालय ने सुना दिया है। अभी सभी को सर्टिफाइड कॉपियां मिलेगी, उसके बाद फैसले के बारे में कुछ कमेंट्स कर पाएंगे। वैसे फैसले से सभी लोग असंतुष्ट हैं और वो माननीय उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध जो है अपील प्रस्तुत करेंगे। शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंगीय धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना? संपर्क नितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206।